खुल जाएंगे रास्ते तेरे, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू जीत पे अड़ तो सही। नमस्कार, 19 दिन 19 सपनों के 18वीं कड़ी में मैं रूपल आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने नास्को के चैनल में। आपका प्यार और साथ हमें भरपूर मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज हम तेलंगाना में स्थित डोडराना गांव चलते हैं। आज के योद्धा तो काफ़ी छोटे हैं, पर इनकी मुश्किलें कई गुना ज़्यादा बड़ी है। आज की कहानी हम उनके पिता से सुनते हैं, चलिए। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार राठौड़ है, तेलंगाना राज्य में रहता हूँ। मेरा गांव महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है। नांदेड़ शहर मेरे ज़िले के नज़दीक है। मैं पुलिस विभाग में एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मुझे एक बेटी और एक बेटा है। दोनों बच्चों को सिकल सेल की बीमारी है। रातों को सोता नहीं हूँ क्योंकि बच्चे दर्द से तड़पते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये सब हुआ कैसे। 10-11 साल पहले जब मेरी शादी हुई, बहुत खुश था। शादी के बाद मेरी पत्नी माँ बनी। मेरे घर मेरी बेटी पैदा हुई, लक्ष्मी आई। अद्विकी नाम रखा हमने उसका। थोड़े दिनों बाद, करीब एक साल बाद, हमें वापस एक बेटा हुआ। बहुत खुश थे हम। छोटा सा परिवार, अच्छी सी नौकरी, जिंदगी चल रही थी। पर मेरा बेटा बीमार रहने लगा। हर सप्ताह उसे कुछ न कुछ तकलीफें हो ही जाती थी। नज़दीक के अस्पताल ले गया, डॉक्टरों को दिखाया। हर बार उनके दर्द की बुखार की दवा दे देते थे। ऐसे करते करते करीब एक साल से ज़्यादा निकल गया। जब एक बार बहुत बीमार हुआ मेरा बच्चा, तो मुझे हैदराबाद के अस्पताल रेफर किया गया। मैं हैदराबाद के बड़े अस्पताल में चला गया। बहुत सारी जांचें हुई और उसमें से एक जांच में मुझे बताया गया कि आपके बेटे को एक अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल है। डॉक्टरों ने मुझे मेरी बेटी, मेरा और मेरी पत्नी का भी खून सैंपल मांगा। जांच कराने के बाद पता चला कि मेरी बेटी को भी सिकल सेल बीमारी है और मैं और मेरी पत्नी दोनों सिकल सेल ट्रेट है, कैरियर है। डॉक्टर ने तब मुझे बताया, क्योंकि आप दोनों को सिकल सेल ट्रेट था, इसी वजह से आपके बच्चों को ये बीमारी आई। डॉक्टरों ने मुझे पूछा कि आपको पता नहीं था कि आपको सिकल सेल ट्रेट है। डॉक्टरों ने मुझसे ये भी पूछा, क्या प्रेगनेंसी के समय आपको किसी डॉक्टर ने ये जांच करने के लिए नहीं बताया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान था। मैंने रात रात भर की नींदें खोई थी क्योंकि मेरे बच्चे दर्द से तड़पते थे। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी। मेरी बेटी को सिम्टम्स कम आते हैं तो उसे फॉलिक एसिड दिया। मेरे बेटे को हर 2-3 महीने में एक पेन क्राइसिस आता है और साल में एक बार तो वो सीरियस हो जाता है। 4 महीने पहले मेरे बेटे को हाइड्रोक्सी यूरिया दवाई शुरू की गई। साल में 5-6 बार तो अस्पताल में भर्ती होना ही पड़ता है उसे। जब अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका कुछ खर्चा मुझे विभाग की वजह से मिल जाता है, लेकिन दर्द और दौड़ भाग की कमी तो होती ही नहीं है। मेरी नौकरी की वजह से मुझे ड्यूटी पर जाना ही पड़ता है। बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर जाता हूँ परिवार के भरोसे, और किसी बात से अगर घर से फ़ोन आया तो घबरा जाता हूँ, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं। हर समय एक डर सा लगा रहता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये समस्या है जो सबको समझती भी नहीं है। किसी ने बताया कि इन बच्चों के लिए सरकार ने विकलांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की व्यवस्था की है। मैं भी जिला अस्पताल गया पता करने के लिए कि क्या मेरे दोनों बच्चों के लिए ये विकलांगता सर्टिफिकेट बन पाएगा, क्या उन्हें सरकार से मिलने वाली 3,000 की पेंशन मिल पाएगी। लेकिन मुझे जिला अस्पताल में बताया गया कि तेलंगाना राज्य में ये सुविधा अभी उपलब्ध ही नहीं है। लगा कि अगर भारत सरकार के कानून में इसका प्रावधान है तो तेलंगाना में ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन सकता। पर पता नहीं मुझे, मैं तो सोचता हूँ कि क्या करूँ जिससे लोगों को समझा पाऊँ
मेरे खुद के परिवार में, मेरे ब्लड रिलेशन में, मैं हर व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर उनको बताता हूँ कि ये जिनमें हमारी बीमारी हमारे परिवार में है, तो आप सभी एक बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर करा लो, जिससे आने वाले बच्चे का ये समस्या हम पहले ही समझ पाए और उसको रोक सके। लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। उनको लगता है कि ये बीमारी सिर्फ मेरे ही घर में आई है और उनके घर में नहीं आएंगी। जब वो मेरे बच्चे को देखते हैं हंसता खेलता, तो उनको लगता है कि वो तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का दर्द और तकलीफ उन्हें दिखती नहीं है और मेरी बात पर वो भरोसा करते नहीं हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हम रात रात सोते नहीं हैं, काम करने में हमारा मन नहीं लगता है, हर दिन हम जिंदगी और मौत से लड़ते रहते हैं। और मैं कर भी क्या सकता हूँ, कई बार सोचता हूँ क्या मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए, क्या मेरी वजह से मेरे बच्चे आज जिंदगी और मौत से हर दिन लड़ते हैं। लेकिन क्या मैं यह चाहता था? मेरे डॉक्टर ने जब प्रेगनेंसी के समय मेरी पत्नी के अनेकों बार खून के सैंपल लिए, बहुत सारे टेस्ट कराए, सिकल सेल के टेस्ट के लिए भी पर्चे में लिख दिया होता, तो क्या मैं यह टेस्ट नहीं कराता? हम तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं। क्या टेस्ट कराना है, क्या दवा खानी है, ये सब अपने भगवान पर छोड़ देते हैं। क्या मेरे भगवान से गलती हो गई क्या, या वो भूल गए एक छोटा सा टेस्ट लिखने के लिए? मुझे पता नहीं, हमें तो पूरा भरोसा है अपने डॉक्टरों पर। बस उनसे हाथ जोड़कर एक विनंती करता हूँ कि प्रेगनेंसी के समय सारे टेस्ट के साथ सिकल सेल के टेस्ट को लिखना मत भूलिएगा। बाप का कंधा इतना मजबूत नहीं होता कि वो इस बीमारी का बोझ उठा पाए। बाप का दिल भी इतना मजबूत नहीं होता अपने बच्चों को दर्द से भी तड़पता हुआ देख सके। कोई गलती होती है तो उसकी सजा होती है। अगर मेरा बच्चा सिकल सेल के साथ पैदा हुआ और ये मेरी गलती है, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये किसी और की लापरवाही है, तो क्या उसको इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। जब तक यह जिम्मेदारी तय नहीं होगी, शादियां होती रहेगी, छोटे नन्हे बच्चे इस सुंदर दुनिया में आते रहेंगे। जरूरत है इस देश को एक कठोर कानून बनाने की, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान अगर सिकल सेल के टेस्ट कोई एक मैंडेटरी टेस्ट की तरह नहीं लिखा गया, तो इससे मेडिकल निगलिजेंसी या लापरवाही मानी जाए। इसी के साथ मैं रूपल विदा लेती हूँ। कल एक और जिंदगी संघर्ष सपनों के आखिरी कड़ी के साथ मिलूंगी। धन्यवाद। सके तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है जुनून।